आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई भी। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस के यूट्यूब पेज को। एक बात मैं बहुत अच्छे से क्लियर कर दूं कि मैं यहाँ टाइम पास या आपकी गुलामी करने वास्ते बिल्कुल नहीं आई हूँ, बल्कि एक बहुत इम्पोर्टेंट काम करने आई हूँ, कुछ सीखने आई हूँ। आप जानते हैं, पिंड वालों की उम्मीदों को अपने कंधों पर रखकर आई हूँ मैं यहाँ। मैं यहाँ पर आई हूँ ताकि मैं आपसे फार्मिंग टेक्निक सीख के वापस जाके अपने पिंड वालों की मदद कर पाऊंगी, अपने पापा जी का सपना पूरा कर पाऊंगी। लेकिन आपको कुछ समझ नहीं आता ना, आप ये बेमतलब के टास्क पे टास्क दिए जा रहे हैं। जो इंसानियत दिखाना तो दूर की बात है, अपने स्टूडेंट्स से आंख मिलाकर बात तक नहीं कर सकता। मैंने आखिरी वक्त तक तू क्या कर रही है? सुन, लिसन टू मी, रुको वीरा, लिसन, अरे वीरा सुनो तो। सुनील, वीरा स्टॉप प्लीज, वीरा। मिस्टर नील, आपकी प्रॉब्लम क्या है? क्यों बुलाया आपने हमें यहाँ पर? हाँ, आपको कोई सेडिस्टिक प्लेजर मिल रहा है हमसे यूं पेश आते हुए? कब से काम कराए जा रहे हैं? बताइए मैनु, प्रॉब्लम क्या है आपकी? आप हमसे गुलामों की तरह काम करवा रहे हैं सिर्फ इस वास्ते क्योंकि आपने हमारा यहाँ रहने का, आने जाने का सबका खर्चा उठाया है। कुछ पूछ रही हूँ मैं आपसे, आपको की लगता है हम यहाँ क्यों आए हैं? एक बात मैं बहुत अच्छे से क्लियर कर दूं कि मैं यहाँ टाइम पास या आपकी गुलामी करने वास्ते बिल्कुल नहीं आई हूँ, बल्कि एक बहुत इम्पोर्टेंट काम करने आई हूँ, कुछ सीखने आई हूँ। आप जानते हैं, पिंड वालों की उम्मीदों को अपने कंधों पर रखकर आई हूँ मैं यहाँ। मैं यहाँ पर आई हूँ ताकि मैं आपसे फार्मिंग टेक्निक सीख के वापस जाके अपने पिंड वालों की मदद कर पाऊंगी, अपने पापा जी का सपना पूरा कर पाऊंगी। लेकिन आपको कुछ समझ नहीं आता ना, आप ये बेमतलब के टास्क पे टास्क दिए जा रहे हैं। जब से यहाँ आई हूँ तब से बस इसी इंतजार में बैठी हूँ कि आज नहीं तो कल आप मैंने कुछ सिखाएंगे, लेकिन नहीं, आप हर बार कुछ सिखाने के बजाय कोई टास्क दे देते हैं, बस हमारा वक्त बर्बाद किए जा रहे हैं। बताइए मैनु, क्या करवा रहे हैं आप हमसे? आपको हमारी फीलिंग्स के साथ खेलने में मजा आ रहा है? हाँ, जानते हैं, जब मैंने आपके बारे में इंटरनेट पर पढ़ा था ना, आपके बारे में जाना था, तब मन में एक उम्मीद सी जागी कि शायद मेरे पापा जी का सपना पूरा हो जाएगा, कोई मदद करेंगे आप हमारी, इसी विश्वास के साथ यहाँ आई थी। लेकिन जानते, तब मैंने ये नहीं पता था कि यहाँ पर एक टैलेंटेड इंसान नहीं बल्कि एक पत्थर दिल इंसान रहता है।
इंसानियत दिखाना तो दूर की बात है, अपने स्टूडेंट्स से आंख से आंख मिलाकर बात तक नहीं कर सकता। मैंने क्या कहा आपने? क्या आपने मैंने विराकड़ी बुलाया ना? हाँ, आपने कैसे पता कि मेरा नाम विराकड़ी है? नहीं, मैंने विराकड़ी नहीं बुलाया, मैंने तुम्हारा नाम लिया। क्या नाम है? वीरा। वीरा का और कुछ नहीं। नहीं नहीं, मैंने यकीन कि आपने मैंने विराकड़ी ही बुलाया, पर फिर आकड़ी तो मैंने सिर्फ घर वाले बुलाते। देखो बकवास बंद करो और मेरी बात चुपचाप सुनो। अगर मेरे टास्क से तुम्हें इतनी प्रॉब्लम हो रही है तो मैंने तुम्हारे पैरों में कोई जंजीरें नहीं बांधी। तुम चाहो तो इसी वक्त इंडिया जा सकती हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सिखाने का फैसला मेरा था तो सिखाने का तरीका भी मेरा होगा। क्या हुआ? मिला वो? बात हुई उस खड़ूस से? कुछ कहा उसने? बलदेव, बहुत अजीब सी बात हुई। उन्होंने उन्होंने मैंने विराकड़ी बुलाया। क्या? और जब मैंने से पूछा ना कि क्या उन्होंने मैंने विराकड़ी बुलाया, तो उन्होंने मना कर दिया। लेकिन बलदेव, मैंने पूरा यकीन है कि मैंने उनकी जुबान से विराकड़ी ही सुना था। तू मैंने गल बता, उसे ये नाम कैसे मालूम? ये मैंने भी समझ में नहीं आया कि वो कैसे जानते हैं कि मैंने विराकड़ी बुलाते हैं। और बलदेव, जब मैंने उनको पहली बार देखा था ना, तब भी मैंने लगा था कि मैं उन्हें जानती हूँ। क्या कैसा हो सकता है कि क्या हम शायद पहले मिले हों और इसलिए उन्हें पता होगी कि मैंने प्यार से विराकड़ी बुलाते हैं? हाँ, पता नहीं वीरा, अब मैं कह रहा हूँ, अब मैंने भी ना उसका चेहरा बहुत देखा देखा सा लगता है। अब ऐसा भी होता है कई दफा कि ना हम किसी से मिलते हैं तो हमें लगता है कि हम पहले उससे मिले हुए हैं, पर ऐसा तो जरूरी नहीं है ना। आंखें धोखा भी तो खा सकती हैं। नहीं बलदेव, मैंने नहीं लगता कि मेरी आंखों ने धोखा खाया। मतलब दो लोगों को एक साथ आंखों का धोखा थोड़ी ना हो सकता है। तेनू भी तो लगता है कि तूने उसे पहले कहीं देखा हुआ है। जो कुछ भी चल रहा है ना, जरूर उसके पीछे कुछ ना कुछ तो है। जो भी कंफ्यूजन है ना, मैंने जल्द से जल्द दूर करना। तू मेरी मदद करेगा? हमें अभी के अभी पता लगाना होगा कि आखिर चल क्या रहा है। प्लीज चल 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 चल, आ जा आ जा। बैठ गई? हाँ। यकीन है, मतलब तू ऐसे कुछ करना चाहती है, देखना चाहती है, और कोई आ गया तुम? सिर्फ मैंने करना ही होगा, किसी भी कीमत। मैंने जानना है कि उन्होंने मैंने विराकड़ी क्यों बुलाया।
भी देखता हूँ। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।